प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट एक नीमा की दादी सारंगी का पार्ट एक पढ़ने जा रहे हैं। नीमा एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जो बहुत चंचल है और उसकी प्यारी सी दादी है, ठीक है। इस पार्ट का नाम है नीमा की दादी। पार्ट शुरू होता है, नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं, उनके घुटने में दर्द रहता है इसलिए कि कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। नीमा रोज़ खाना खाते स्कूल की बातें सुनाती है, दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पले ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए, खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी ज़ोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। कैसी लगी कहानी आप लोगों को?